नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब और एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से तीन अलग अलग विभागों की रिक्तियों के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं कल 26 जनवरी की स्थिति में आदरणीय भूपेश बघेल जी द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान कुछ घोषणाएँ की गई थी, जिनमें से प्रमुख घोषणा शासकीय कर्मचारियों के लिए की गई है। दोस्तों, उनकी जानकारी मैं साझा कर रहा हूं कि अब छत्तीसगढ़ में 5 दिवस में ही शासकीय कार्य संचालित होगा, अर्थात शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश रहेगा। सप्ताह में केवल 5 दिन ही शासकीय कार्यालय खुलेगा। यह जानकारी या यह घोषणा कल आदरणीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान दी गई है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीन विभागों में रिक्तियों की, जिनमें पहली रिक्ति की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत के जो राष्ट्रीय बैंक है, सेंट्रल जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, वहां पे वित्त या चपरासी के विभिन्न पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। देखिए दोस्तों, अधीनस्थ संवर्ग में वित्त या चपरासी पद हेतु भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। मंडल कार्यालय भिलाई के अंतर्गत आने वाली शाखाओं में अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी के 16 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मंगाया जा रहा है। यदि आप इन मापदंडों पर पात्र हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, दिनांक 1 जनवरी 2022 की स्थिति तक आपकी समस्त योग्यताएँ पूरी हो जानी चाहिए। यदि हम न्यूनतम और अधिकतम योग्यता की बात करें दोस्तों, तो ऐसे उम्मीदवार जो 12वीं पास हो तथा उसके समकक्ष के साथ साथ अंग्रेजी में पढ़ने एवं लिखने का जिनको बुनियादी ज्ञान है, वह इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। यदि आपने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो आप इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल याद रखें, आपकी योग्यता केवल 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आपने 12वीं से अधिक योग्यता अर्जित किया है, अर्थात यदि आप कोई भी डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है, स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि हम इन पदों के लिए वेतनमान की बात करें तो 14,500 रुपये से 28,145 रुपये वेतन आपको दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनके अलग अलग आरक्षण जो श्रेणी है, अलग अलग आरक्षण है। उम्र के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर आपको आरक्षण भी दिया जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि हम पदों के विवरण की बात करें दोस्तों, तो देखिए, आपका दुर्ग जिले में 5 पद, राजनांदगांव में 1 पद, बीजापुर में 1 पद, नारायणपुर में 1 पद, धमतरी में 5 पद, बस्तर में 2 पद और बेमेतरा में 1 पद शामिल किए गए हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या की हम बात करें दोस्तों, तो कुल 16 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन मंगाया जा रहा है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको मंडल कार्यालय भिलाई के ऑफिशियल पते पर आवेदन पत्र भेजना होगा। पता है, उपमंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक, HRD मंडल कार्यालय भिलाई, द्वितीय तल, जीत टावर, राजकुमार कॉलेज के सामने, जी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। इसमें आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक के माध्यम से 11 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल बैंक में जॉब करना सभी का सपना होता है और आप इस भर्ती के माध्यम से अपने सपने साकार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप में आपको आवेदन पत्र भर करके संबंधित विभागीय कार्यालय में जमा करना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आपका कार्यालय अधिष्ठाता छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान छत्तीसगढ़ शासन बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिसे हम एम्स बोलते हैं दोस्तों, तो एम्स बिलासपुर में विभिन्न पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति स्वशासी के माध्यम से संविदा में किए जाने के लिए
बिलासपुर माह जनवरी के 28 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों 28 जनवरी को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। यदि आप संबंधित योग्यता रखते हैं तो इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर रेसिडेंट के विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई है। इनके लिए अन्य अनिवार्य जो योग्यताएं हैं उनकी जानकारी आपको एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। बहुत सारे बम्पर पदों पर रिक्तियां जारी की गई है दोस्तों, सैकड़ों पद। यदि हम वेतन की मान की बात करें दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ पोस्टिंग दी जाएगी, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो 28 जनवरी की इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आपको पासपोर्ट साइज, 2 रंगीन फ़ोटो एवं अन्य संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ हैं, उनकी मूल प्रति, साथ ही साथ आप 2 सेट छाया प्रति भी साथ में लेकर अवश्य जाएँ, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यदि आप योग्य हैं तो आवेदन कर सकते हैं, इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। अन्य उपयुक्त जानकारी के लिए आपको www.aimsbilaspur.ac.in पर भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर रिक्तियां जारी की गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान मुख्यालय धनबाद के बिलासपुर के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र परिसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रिक्तियां जारी की गई है। दोस्तों यदि आप योग्यता रखते हैं तो आप इन पदों के लिए आप साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपकी पोस्टिंग की जाएगी दोस्तों। यदि हम इनकी तिथि की बात करें दोस्तों तो 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 तथा 24 फरवरी को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए यदि हम स्थान की बात करें, प्लेस की बात करें दोस्तों, तो साक्षात्कार या इंटरव्यू का आयोजन पोस्ट खोली चौक बिलासपुर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र परिसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पूर्वाह्न 10 बजे से किया जा रहा है। यदि आप योग्य हैं दोस्तों तो इन पदों के लिए होने वाली वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। साक्षात्कार के लिए लघु सूचियन आधार पर न्यूनतम 65% अंकों के साथ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों पदों की संख्या और क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए उनकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो भूगर्भ शास्त्र में 3 वर्षीय स्नातक, 10 पोस्ट सुनिश्चित किया गया है। साथ ही रसायन शास्त्र में 3 वर्षीय स्नातक, 10 पोस्ट। रसायन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, 1 पोस्ट। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, 4 पोस्ट। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में 10 पोस्ट। ऐसे ही दोस्तों डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में भी 2 पोस्ट सुनिश्चित किया गया है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे बम्पर पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। यदि आप योग्य हैं दोस्तों, इन तमाम योग्यताओं में से कोई भी योग्यता आपके पास है तो उसके आधार पर निर्धारित तिथि में आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यदि हम पद के नामों की बात करें तो परियोजना सहयोगी के पद सुनिश्चित किया गया है, जिसकी सैलरी 35,000 रुपये, 28,000 रुपये, अलग अलग पद के आधार पर आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। देखिए यदि हम इन पदों के लिए योग्यता की बात करें दोस्तों तो अलग अलग योग्यता सुनिश्चित की गई है। तो यदि आप योग्य हैं दोस्तों तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन का अध्ययन जरूर करें। इन तमाम भर्तियों की जानकारी का नोटिफिकेशन मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही नवीन नवीन नौकरियों की जानकारी, शिक्षा से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए मेरे चैनल CG Job एजुकेशन से जुड़े रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।